क्या होता है कि इस चीज को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। सर पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट। अब आते सर, याद रखिएगा कि ये चीज तो हम लोग फंडामेंटल जाने, एक बात और इसमें जो मिस हो चुका है उसमें याद रखेंगे, प्लेट्स हमेशा ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है, प्लेट्स हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, किसका ईच अदर, दोनों प्लेट के। तो अपने पास समझ में है, सबसे पहली बात क्या कहते हैं हम, सबसे पहली बात आपको अगर जानना होगा कि सर कैपेसिटर क्या होता है, सर कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज और एनर्जी दोनों को स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है, क्लियर हो गया। सर इसको बनाते कैसे हैं, तो दो प्लेट लेते हैं, दोनों के बीच में एक स्पेस जनरेट करते हैं और उस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देंगे तो तब हमारे पास क्या बनेगा सर, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, कैपेसिटर। क्लियर, अपने पास समझ में आया होगा, आई होप कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसके बाद आते हैं कि सर आपने कैपेसिटर चीज सीखा, अब क्या होता है कि ज़हनी तौर से एक तैयार होगा कि इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होगा चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। सर चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ये देखिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है बच्चे लोग जो है मिसकंसेप्शन हो जाता है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब आइदर, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब होता है क्या, चार्ज प्लेस एंड चार्ज प्लेस एट, सर चार्ज प्लेस होगा कहां पे, एट पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब क्या हुआ कि आपको एक तरह से ज़हनी तौर से तैयार हो जाना होगा, क्या तैयार होना होगा कि सर आप जो है चार्ज ऑफ कैपेसिटर की क्या मीनिंग समझते हो, तो सर पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे, क्लियर होगा, क्लियर। चलो अब आते हैं सर पॉजिटिव प्लेट पर, आपके पास दूसरा टॉपिक में यह है कि नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, नेट चार्ज। तो अपने पास नेट चार्ज भी होता है, नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज, नेट चार्ज का मीन्स क्या होता है कि सर दोनों चार्ज का जो सम हो जाता है, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे ना, क्या चीज तो इसमें नेट चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, प्लेट है प्लस जो है प्लस चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट, चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट। अब आप एक सर जल्दी से, क्योंकि इतना चीज अपने पास समझ में आ रहा है, तो अब हमारे पास कहता है क्या कि जब किसी कैपेसिटर, व्हेन, देखिए बहुत ही आसान चीज है, व्हेन क्यूब चार्ज इज गिवन ऑन अ कैपेसिटर, जब क्यों चार्ज देंगे कैपेसिटर पर, देन पीडी इज पीडी, पीडी तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस या एक्वायर, एक्वायर एक्वायर या पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस अक्रॉस द कैपेसिटर इन सच अ वे, इस तरीका से होगा, इन सच अ वे दैट, इस तरीका से होगा कि क्यों जो होता है ना, जितना चार्ज आप देंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब आते होगा जल्दी से देखो, मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, तो इसके बारे में क्या होगा, कोई चीज दे रहे तो बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, वैसी चीज को देख लेते हैं। तो इस चीज को क्या करते हैं, तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, डिफरेंस का मतलब यही होता है, क्योंकि सेक ऑफ इजी, आसानी के लिए, फॉर द सेक ऑफ इजी इस चीज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अमूमन ग्राउंड कहीं माना जाता है रिफरेंस, फॉर द सेक ऑफ इजी
फॉर द सेक ऑफ इजी सर इजी के लिए हम लोग क्या इतना डेल्टा बी को हम लोग डायरेक्ट हम लोग बी देते हैं तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बी सर इस प्रोपोर्शन को हटाना होता है ना तो एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट है उस कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं सी क्लियर हो गया तो सर अपने पास सी बराबर क्या है क्यू बाय बी सर ये क्यू जो हो गया तो यही सी हेयर सी इज नोन एज कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्लियर हुआ ये सी जो है कैपेसिटेंस है इसी को हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं कंडक्टर इसी से तो हम लोग क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं आज के लिए हमको लगता है यही क्लास काफी है फिर हम लोग इस पर कल से भी करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू